हेलो एवरीवन, मैं हूं जैशन। बिट्स ऑफ एवरीथिंग में आप सबका स्वागत है। मैं कुकिंग एंड लाइफस्टाइल वीडियोस बनाती हूं एंड आई पोस्टेड ऑन एवरी मंडे रात 11:30 बजे। आज हमने बनाई है चने के दाल की खीर। ये खीर हमने स्पेशली मेरी सिस्टर के लिए बनाई है, जो उनकी ही फ्रेंड की एक रेसिपी थी और हमने ट्राई की, बहुत ही अच्छी बनी। लेट्स सी हमने कैसे बनाई है ये खीर। चने की दाल की खीर है तो सबसे पहले ऑब्वियसली हम लेंगे चने की दाल। तो हमने ली है एक छोटी कटोरी दाल, ये तकरीबन 125 ग्राम्स दाल होगी। हम इसे अच्छे से वॉश करेंगे। एक किचन टॉवल के ऊपर हम इस दाल को फैलाएंगे और अच्छे से इसे सुखाएंगे। हमने इसके ऊपर एक और किचन टॉवल रख के इसे अच्छे से ड्राई किया है। आप चाहें तो एक ही टॉवल से इस तरह से भी सुखा सकते हैं। टॉवल से ड्राई करने के बाद हम इसे एक कढ़ाई में ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट यानी इसमें हम कोई भी तेल या घी नहीं डालेंगे, बस इसी तरह कढ़ाई में घुमाते रहेंगे जब तक इसकी कच्चेपन की स्मेल निकल जाए। और फिर वही दाल को हम कुकर में डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे उसमें और 5 से 6 सीटी आने तक हम इसे पकाएंगे। ये दाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, थोड़ी सी बाइट आनी चाहिए। जब तक सीटी लग रही है हम तब तक एक कढ़ाई में 1 चम्मच सूजी को ड्राई रोस्ट करेंगे। 1 से 2 मिनट में ये सूजी एकदम रेडी हो जाएगी। फिर उसी कढ़ाई में हम थोड़ा पानी डालेंगे और डालेंगे एक छोटी कटोरी गुड़। गुड़ को अच्छे से मिक्स करना है और उसे मेल्ट होने देना है। जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा हम उसमें डालेंगे ये ड्राई रोस्ट की हुई सूजी, अच्छे से मिक्स करेंगे 2 से 5 मिनट तक। और इसमें हम ऐड करेंगे हमारी बॉइल की हुई चना दाल। गैस की फ्लेम हमें स्लो टू मीडियम रखनी है और इसे कम से कम 5 से 10 मिनट हम पकाएंगे। और फिर हम डालेंगे दूध। हमने यूज किया है फास्ट एंड अप गुड ईट्स का ओट मिल्क। ये 100% वीगन है, प्लांट बेस्ड है और ये अप्रूव्ड है इंडिया नंबर 1 शेफ संजीव कपूर से। इस ओटमील को परचेज करने की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगी और अगर आप ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको एडिशनल 10% ऑफ मिलेगा। ये ओटमील नेचुरली स्वीट एंड क्रीमी है। ये ओटमील में 0 कोलेस्ट्रॉल, 0 शुगर एंड 0 ट्रांसफैट है। दिस ओटमील हैज 0 केमिकल्स, 0 आर्टिफिशियल प्रिजर्वेटिव्स, कलर्स एंड फ्लेवर्स। ये दाल को हमने 5 से 10 मिनट घुमाया है। अब हम इसमें डालेंगे दूध। अगर आप मीठा कम खाते हैं तो आई वुड सजेस्ट आप आधी कटोरी गुड़ ही डालें। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें हमने डाली है 3 कूटी हुई इलायचियां। इसे हम स्लो टू मीडियम गैस पे पकाएंगे, बॉईल आने देंगे और फिर ढक कर रख देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो जितना भी दूध है वो पूरा एब्जॉर्ब हो जाए और थिक हो जाए। लेकिन ये थोड़ा ज्यादा थिक हो गया था, हमने थोड़ा और दूध डाला। इसमें आप आपके पसंदीदा नट्स एंड सीड्स डाल सकते हैं, हमने डाले हैं बादाम। जब भी आप इसे पकाने के प्रोसेस में रख रहे हैं तो आप बीच बीच में इसे घुमाते रहें। हमने 2 से 5 मिनट और ढक के रखा था। और फाइनली ये पोटैटो मैशर से हमने थोड़े से चने मैश किए हैं ताकि ये और थिक हो जाए। एंड दिस खीर वॉज सो यमी। हमने इस ओट मिल्क से स्वीट पोटैटो रेसिपी बनाई थी। आई शेयर द रेसिपी लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो आई होप यू एंजॉयड दिस रेसिपी। डू ट्राई इट। Please like, share and comment and do subscribe my channel and hit that bell icon for further updates. Thanks for watching.